नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इससे पहले सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए सपा के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर सपा सांसद डिंपल यादव भड़क उठी और उन्होंने सदन में ही दोबारा मुलायम सिंह का जिक्र नहीं करने की नसीहत दे डाली। देखिए रिपोर्ट। हुआ ये कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव का नाम लिए बिना कहा, आप समझिए कि इनकी भावना कैसी है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं? ये सोचते हैं अब नहीं रहे। इसी सदन के सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे, वो कहते थे कि सदन में परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? वहीं निशिकांत दुबे ने जब ये बात कही तो डिंपल यादव मुस्कुरा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके भाव बदल गए। इसके बाद जब डिंपल यादव की महिला आरक्षण को लेकर बोलने की बारी आई तो पहले उन्होंने पार्टी की बात रखी, इसके बाद वो निशिकांत दुबे को नहीं भूली और उन्होंने आखिर में सभापति महोदय को संबोधित करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उन्हें पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी दर्द भी समझना होगा। सर, मेरा अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य को कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले और आने वाली कार्रवाइयों में ना ले। दरअसल सपा सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि सपा की हमेशा से मांग रही कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, इसमें उन्हें आरक्षण दिया जाए। डिंपल ने पूछा कि लोकसभा और विधानसभा में तो ये लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी ये लागू होगा या नहीं। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को अब महिलाओं की याद आई, जनगणना कब होगी, क्या ये सरकार जातिगत जनगणना कराएगी भी या नहीं, वही परिसीमन कब होगा जिसके आधार पर ही महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।